नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दहेज में नहीं मिली बाइक तो गांव के चौराहे पर 3 बार तलाक बोलकर बीवी को छोड़ा, शौहर पर दर्ज हुआ केस। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कथित तौर पर दहेज में मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने के चलते गांव के चौराहे पर पत्नी को लगातार 3 बार तलाक बोलकर वैवाहिक रिश्ता तुरंत खत्म करने के आरोप में पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इंदौर से करीब 35 किलोमीटर दूर केशरवर्डी की 22 वर्षीय महिला ने शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसके पति जुहेर ने उसे इस गांव के चौराहे पर तलाक 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 बोला और कहा कि दोनों के बीच वैवाहिक रिश्ते को तुरंत खत्म माना जाए। पुलिस अधिकारी ने आरोपों के हवाले से बताया कि जुहेर और उसकी मां तस्लीम शिकायतकर्ता महिला को पिछले 2 साल से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, क्योंकि उसके मायके वालों ने ससुराल पक्ष को दहेज में मोटरसाइकिल नहीं दी थी। अधिकारी ने बताया कि दहेज की कथित मांग पूरी नहीं किए जाने के चलते महिला को उसका पति और सांस लंबे समय से तलाक की धमकी भी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत पर उसके पति व सांस के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 और भारतीय दंड विधान की धारा 498A किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और अभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।